हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एस राधा कृष्णन, ऑप्शन डी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद घोष। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सी आर दत्त, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मैन कैंप का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मैजनी। मैन कैंप का लेखक हिटलर है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिटलर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी अरुंधति राय। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड आर के नारायण ने लिखा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर के नारायण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए माई स्टोरी, ऑप्शन बी ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऑप्शन डी बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कुली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर एन टैगोर, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी नीरद सी चौधरी, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुल्कराज आनंद। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए थॉमस मूर, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैकियावेली। यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमस मूर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी गुरु गोलवलकार, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यशोधरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी प्राग गोरखपुरी, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी रोशन आरा। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक प्राग गोरखपुरी हैं, तो हमारा राइट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत दो दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी ऑप्शन सी बी डी सावरकर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। भारत दो दशा नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चितंबरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर भट्टी चरण वर्मा। चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी अरविंद गोस्वामी, ऑप्शन डी विवेकानंद। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी चक्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय तेंदुलकर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी कोतुल एन हैदर। आग का दरिया पुस्तक के लेखक कोतुल एन हैदर हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोतुल एन हैदर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हीरानंद बादशायन अज्ञे की लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए निशीत, ऑप्शन बी गढ़देवता, ऑप्शन सी कागज ते कैनवास, ऑप्शन डी कितनी नावों में कितनी बार। हीरानंद बादशायन अज्ञे की लिखित पुस्तक कितनी नावों में कितनी बार है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कामायनी किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी विजय तेंदुलकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामदास सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन,
नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नील विद्रोह से, ऑप्शन बी पवना विद्रोह से, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह से, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह से। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? नील विद्रोह से, पवना विद्रोह से, संथाल विद्रोह से या फिर चंपारण सत्याग्रह से। तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं।